या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडिमेंट सोलापूर। राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री तसेच राज्यपालांकडून महापुरुषांबद्दल बदनामीकारक वक्तव्य वारंवार केलं जात आहे। दोनच दिवसापूर्वी राज्याचे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करून रोष उडावून घेतलाय। याच पार्श्वभूमीवर रविवारी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोलापूर दौऱ्यावर होते। विजापूर रोडवरील नेहरूनगर इथल्या मैदानावर गुरव समाजाचं अधिवेशन होतं। या अधिवेशनाला मुख्यमंत्र्यांची एंट्री होताच भीमसैनिक आतिश बनसोडे यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध नोंदवण्याचा प्रयत्न केला। त्याचवेळेस उपस्थित पोलिसांनी त्यांना तात्काळ पकडलं। पहा हा व्हिडिओ। अरे इतने सारे फटाके, दिवाली तो हो चुकी। असली धमाका तो 25 दिसंबर को होने वाला है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुझे याद है हमने ममता रेडीमेड में कार के लिए शॉपिंग किया था? हाँ मुझे याद है। तो अभी उसी लकी ड्रॉ विनर्स के नाम 25 दिसंबर को अनाउंस करने वाला है। यार इतना बड़ा गिफ्ट थोड़ी कोई भूलेगा। हम लकी विनर्स बनेंगे, ये विश्वास मुझे ममता रेडीमेड्स में है। उसी दिन के लिए मैंने इतने सारे फटाके खरीद लाए हैं। अरे वाह, फिर तो बड़ा धमाका है यार। इस 25 दिसंबर को आए और लकी विनर्स बनने का मौका ना छोड़। और हाँ, तारीख मत भूलना, 25 दिसंबर ठीक शाम 7 बजे ममता रेडीमेड लश्कर जगदम्बा चौक सोलापूर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।